बेटा, यस बच्चे, सेटल डाउन फास्ट एवरीवन। नाइन्थ सी, नाइन्थ बी बेटा, बैठ जाइए सारे। गुड, चलिए लास्ट क्लासेस में जो हमने काम किया था, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर मास नंबर तक रिवाइज कर लिया था, पढ़ लिया था सारा। तो अभी किस किस को याद है कि क्या क्या किया था, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? चलिए सबसे पहले मुझे बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। अब ये प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेयर आर प्रोटॉन्स प्रेजेंट? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। कहाँ पर होते हैं ये? इनसाइड द, ठीक न्यूक्लियस, है। न्यूक्लियस में एक और चीज प्रेजेंट होती है, उसका क्या नाम है? न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन न्यूट्रॉन। तो मुझे ये बताइए, न्यूट्रॉन में से और प्रोटॉन में से किसका पॉजिटिव चार्ज है, किसका नेगेटिव चार्ज है? प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। मतलब कि नेगेटिव चार्ज किसी का भी नहीं है इनमें से। तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस, उनका नाम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है जी, दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए, एक्स जेड, अगर मैंने लिखा है, व्हाट डज जेड रिप्रेजेंट हियर? एटॉमिक नंबर, ओके, एंड व्हाट डज ए रिप्रेजेंट? मास नंबर, ए रिप्रेजेंट, जेड रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, एंड ए रिप्रेजेंट एटॉमिक, मास हाँ, मास नंबर बोल सकते हो, यू कैन से एटॉमिक मास आल्सो। बेटा मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ, अगर कोई लास्ट क्लास में स्टूडेंट एब्सेंट थे तो प्लीज वो थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है? तो एक बार सबका रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया उनको आइडिया हो जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, ठीक है? तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख कर दूं आपको, एक्स चलो 6 एंड 12, व्हाट डज दिस एक्स कैन बी? एक्स क्या होगा यहाँ पे? ब्रदर व्हाट इज एक्स हेयर? कैन यू आइडेंटिफाई एक्स? व्हाट इज एक्स? कार्बन, यस, हाँ जी, बाकी सेक्शन से बोलो, 9C 9A, इट इज कार्बन। व्हाई इट इज कार्बन? एटॉमिक नंबर यस, बिकॉज दिस 6 रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन का, ठीक है। तो मुझे आप इसमें, चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओगे कितने है बेटा? व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? हाँ जी, ये जो नंबर है ये और हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये बेटा लिख लो साथ साथ में, ऐसे ही लिख लो, जो मैं नीचे क्वेश्चंस लिख रही हूँ आप लिखते जाओ साथ में। एक्स क्या है? कार्बन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। हाँ जी, एटॉमिक मास कितना है बेटा इसका? एटॉमिक मास इज 12। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? यस, कैसे आया? जो ऊपर का एटॉमिक मास था और जो नीचे वाला नंबर था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम इन दोनों को कर देते हैं माइनस,
ठीक है, दोनों नंबर को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 6। क्लियर? ओके। ये फिफ्थ पार्ट, इट इज अ मेटल और नॉन मेटल। यस, मेटल और नॉन मेटल। मेटल यस, मेटल नॉन मेटल। ये ठीक है। तो जिनके अभी लास्ट टाइम हमने वैलेंसी डिस्कस की थी, जब अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ओनली देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड मेटल। अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ ऑल द केसेस, रेस्ट ऑफ ऑल द केसेस, कौन कौन से केसेस बचे? 0, 4, 5, 6, 7, मतलब 8 बोल सकते हो इसको आप। हमने वैलेंसी नहीं ना लिखी यहाँ पे, तो 8 वाले की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 0। वाले की 4, 5 में कितने गेन करने हैं? 3, 2 एंड 1, ये इनकी वैलेंसीज हैं। ठीक है, तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर मेटल्स। अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। नॉन कार्बन इज कंसीडर्ड इज नॉन मेटल मेटल। ठीक है बच्चे, समझ आया ये? इतने सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से बन सकते हैं। चलिए, ये फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट लिखिए जरा इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस शेल, या आप एक काम करो, रुको, नंबर ऑफ शेल्स लिखो जरा इसमें, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जरा इसकी। क्वेश्चन में लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जरा। के एल एम लिखो जरा, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 एंड 4। ठीक है, तो इसका आया 2 एंड 4। एम शेल में नहीं है क्योंकि हम वैलेंसी लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब सिक्स्थ, सेवेंथ पार्ट, अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए? ये वाले जो लास्ट शेल होगा उसी को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो कितने हुए? 4, राइट? इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 8 पार्ट वैलेंसी भी इसकी, क्योंकि इसको अपना अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सब बोलो, 8। आउटर मोस्ट शेल नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास कितने हैं? कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? इसकी वैलेंसी हुई 4। ठीक है बच्चे, देखो एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिखा था, सिर्फ इतना, ये क्वेश्चन था हमारा, और कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे बनते जा रहे हैं। ठीक है, समझ आया बेटा ये? ऐसा सारा लास्ट क्लास का काम, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये कर लिया बेटा सबने नोट डाउन? किसी का रह गया तो बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए। चल, आज के टॉपिक बेटा हमने जो डिस्कस करना है, दे आर द आइसोटोप्स, एंड हमने सेकेंड टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक आइसोपार्स है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोटॉप्स? यस यस, फ्रॉम 9th A, 9th A गुर फतेह। माइक पास कर दो बेटा। हाँ जी, व्हाट आर आइसोटॉप्स? डिफरेंट मासेस, वेरी गुड। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो?
यस एनी एग्जाम्पल? हाँ जी कार्बन। ओके कार्बन का थोड़ा बताओगे मुझे, हाउ कितने आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, हाउ मेनी आइसोटॉप्स कार्बन है? थ्री। चलो बताओ कौन कौन से तीन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो जरा पहले। चलो मैंने मान लिया तीन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, अभी अभी लिखा हमने सिक्स, ठीक है। चलो मास नंबर बताइए तीनों के। गुड, ट्राई तो करो, बोलो 13। ट्वेल्व। ओके और बोलो 13। अच्छा 14। चलो बैठो, ये ठीक है? हु इज एग्री विद दिस आंसर, रेज योर हैंड्स। गुरफती एक भी साथ नहीं दे रहा बेटा आपका, एक भी स्टूडेंट तीनों सेक्शंस में। हाँ जी कितने आइसोटॉप्स होते हैं बेटा कार्बन के? टू आइसोटॉप्स, ये वाला नहीं होता बेटा, ठीक है। तो कार्बन हैज टू आइसोटॉप्स। तो कैसे पता चला कि आइसोटॉप है? बिकॉज इट एटॉमिक नंबर इज सेम एंड मास नंबर इज डिफरेंट, सो दे आर आइसोटॉप्स। अब इसमें बेसिक, अच्छा हाइड्रोजन के कितने होते हैं आइसोटॉप्स? ये तो चलो हमने कार्बन के लिख लिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटॉप, कौन कौन से? वन टू एंड थ्री। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज हाँ वन। गुड, वन वन वन। तो इस डेफिनेटली देयर मासेस आर डिफरेंट। फर्स्ट केस में मास कितना होगा बच्चे? वन टू एंड थ्री, राइट? तो इन सबके तीनों के ना एक स्पेशल नेम है। 1H1 क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, कौन बताएगा? प्रोटियम। गुड, प्रोटियम क्यों बोलते हैं इसको? प्रोटियम बोलते हैं बिकॉज इट हैज नो न्यूट्रॉन। हमारे पूरे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं अब तक, उनमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, इन केस ऑफ 1H1, ठीक है बच्चे। इन हाइड्रोजन डू नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इसलिए इसको सिर्फ प्रोटियम बोला जाता है। प्रोटोन से वर्ड लिया गया कि सिर्फ इसके पास प्रोटोन है। ये हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटोन है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। सो सेकेंड वाले का नेम क्या होता है बेटा? यस, ड्यूटीरियम। और इसका होता है ट्रीटियम, ठीक है। लिख लीजिए बेटा नेम्स। यस डू इट फास्ट। ई कर लो बेटा यहां पर। इसके पास वन न्यूट्रॉन होगा, लिख लो चाहे ये इंफॉर्मेशन भी, एंड इट कंटेन्स टू न्यूट्रॉन, ठीक है। ठीक है, चलिए ये स्पेशल केस है, ये लिख लो बेटा हाइड्रोजन का, सभी लिख लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल हम इसकी करेंगे क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन के कितनी आइसोटॉप्स? देर आर टू आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर इज 17। एक आइसोटॉप का होता है 35 और एक का होता है 34। थर्टी सेवन
ये आइसोटॉप हमारे पास, इसकी अवेलेबिलिटी होती है 75% इन आर नेचर, और इस आइसोटॉप की अवेलेबिलिटी होती है 25% इन नेचर। ये भी लिख लेना। इसके बेसिस पर अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? बेटा मैम रिपीट करना कि 75% क्या होता अवेलेबिलिटी होता है कि ये जो आइसोटॉप है ये हमारी नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, 75% एंड 25% सेकेंड वाला आइसोटॉप। एक और इसमें लिख सकते हो, इट कॉन्ट्रीब्यूट 75% इन द एवरेज एटॉमिक मास। ये कॉन्सेप्ट किया नहीं ना अभी हम करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट इन द एवरेज एटॉमिक मास। और ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? ट्वेंटी फाइव परसेंट इन एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है जी? ये लिख लीजिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेटा, सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए साथ साथ में, ठीक है? समझ आ गया, याद हो गया। इस चक्कर में किसी ने लिखा, ऐसा नहीं करना कि लिखो मत, लिखना सबने है, ठीक है? कंप्लीट कर लीजिए बेटा ये सब। यस डन बेटा, चलिए। मैम नहीं लिखा, कर लो बेटा। चलिए, इसके बाद हमने टॉपिक करने एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करो हमारे पास यही क्वेश्चन है, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, ठीक है? ये बात, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? 75%। और ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 5%। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखिए जरा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एम वन पी वन प्लस एम टू पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू। डिफिकल्ट नहीं है, अभी सिखा दूंगी, ठीक है जी? चलिए, हो गया बच्चे? देखिए 35 क्या है आपके पास, एम वन, 75% क्या है, पी वन, ये आपका है एम टू और ये है आपका पी टू, बस इतना सा काम है। नाउ कैन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज? ठीक है, चलिए। व्हाट इज एम वन? 35। व्हाट इज पी वन? 75 प्लस व्हाट इज एम टू? 37 इंटू 25 होल अपॉन पी वन प्लस पी टू, 75 प्लस 25। कोई डिफिकल्टी इस चीज में? एनी प्रॉब्लम? माइक ऑफ हो गए क्या सबके?
आवाज नहीं आ रही। नाइन्थ भी आई थिंक यू आर स्पीकिंग समथिंग बट आवाज नहीं आ रही है बच्चे। इस नाइन्थ से ही कुछ बोलना बेटा, कोई भी कुछ भी। ये समझ ओके आ गया फॉर्मूला? यस नाइन्थ ए से तो आ गई आवाज। यस नाइन्थ बी आपकी नहीं आ रही है बेटा। यस ओके जी ओके राइट। तो 35 × 75 करिए जरा। सिक्स यस सिक्स 2625 प्लस 39 × 25 कीजिए। फाइव 925 होल अपॉन, मैं फिर से लिख रही हूँ ठीक है। ये आ गया आपका 2625 प्लस 925 होल अपॉन 100 ठीक है। फाइव ऐसे कितना आया प्लस करके? प्लस चलिए जल्दी बताइए। 3550 अपॉन 100 तो कितना आ गया? 35.5। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास निकलना है। राइट ठीक है। बट ये फॉर्मूला एक आप याद रखिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है फॉर्मूला के अंदर। एवरेज एटॉमिक मास डन हो गया सबका। चलिए ओके जी बेटा गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? दैट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास। एंड सेम एटॉमिक मास ठीक है। एटॉमिक मास बताओ, अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो क्या ये एलिमेंट सेम होंगे या एलिमेंट डिफरेंट होंगे? डिफरेंट ये आइसोटॉप्स में क्या होता है? कार्बन है तो अच्छा एक चीज और बेटा, कार्बन वाले में ना 13 वाला डाल लो, वो भी कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है 13 वाला, बट मेजरली जो एग्जिस्ट करते हैं वो 12 एंड 14 ही होते हैं। 13 वाला बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है ठीक है, बट होता है। क्लियर? तो ये लिख लो आप। चलिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास, बहुत कॉमन एग्जांपल आपकी बुक्स में भी दी हुई है, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन हैज एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम हैज एटॉमिक नंबर 20, बट बोथ हैव मास 40 ठीक है। कैन यू राइट अनदर एग्जाम्पल, एनी अदर एग्जाम्पल? अभी अभी हमने कार्बन का लिखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 14 ऑफ वन ऑफ इट्स आइसोटॉप। अभी अभी लिखा C6H14 ये वाला लिखा अभी, एंड इसके साथ आप नाइट्रोजन ले सकते हो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7 एंड एटॉमिक मास इज 14। तो ये भी आइसोबार्स हो गए हैं। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, आयरन एंड निकल। वो आइसोटॉप पहले मैंने कराया ना इधर। आयरन एंड निकल, इसका होता है 26, निकल होता है 28 एंड बोथ कंट्रीब्यूट द मास ऑफ 58 यू।
ठीक है. सो ऑल दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर्स अगर आप देखोगे तो डिफरेंट हैं, बट व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, दे हैव सेम एटॉमिक मास. तो पिंक वाला बॉक्स जो मैंने किया है ये क्या दिखा रहा है कि सेम नंबर है. ठीक है, दीज आर आइसोबार्स. आइसोबार्स में इतना ही है बेटा. टेक आउट योर वर्कशीट्स नाउ. अगर ये कंप्लीट हो गया तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इन योर वर्कशीट्स. क्वेश्चन नंबर 23 निकाल लिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से मुझे आंसर बताइए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का. फर्स्ट आइसोबार, सेकंड आइसोबार. अब मैं जिसका नाम लूंगी वही आंसर देगा. ठीक है, बी अटेंटिव एवरीवन. ठीक है, फटाफट से आंसर मिलने चाहिए. मैं नाम बोलूंगी फटाफट आना है माइक के पास. ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है बेटा, अभी तो बोल ही दिया ना सबने आंसर. फर्स्ट वाले में पहले अगर आपसे कभी भी पूछा जाए आइसोटॉप है या आइसोबार है, पहले तो आपने ये देखना कि एटॉमिक नंबर. देखो फर्स्ट केस में एक में 26 है और एक में 28. आप बता सकते हो ए क्या होगा, व्हाट इज ए, एनीवन? ए क्या है, अभी अभी हमने किया बेटा. ए इज आयरन 26. देखो ये लिखा हुआ ना 58 ए 26, तो ये कौन था, सारा केस आयरन का बन रहा है, तो ए इज आयरन. ठीक है, और बी क्या है, निकल. निकल निकल जा है ना, चल चलो. ठीक है चलिए, तो फर्स्ट पेयर क्या है हमारा, आइसोबार. सेकंड पेयर क्या है, अब सेकंड पेयर में देखो एटॉमिक नंबर सेम दे रखा है, एटॉमिक नंबर इज सेम एंड मासेस आर डिफरेंट, तो दे आर आइसोटॉप्स. गुड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th. आप आइए जरा एक बार 10th पर आइए, जरा नेक्स्ट पेज पे, लास्ट शीट पे 10th क्वेश्चन पे आइए. आज टू आइटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स इफ, हां जी, नाइन्थ बी, नाइन्थ बी जोबन प्रीत. कमिंग. ओके यस यस कम फास्ट. यस मैम. आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 10th का बच्चे. जो हमने डेफिनेशन की है आइसोबार्स की, उससे रिलेटेड आंसर नहीं है इस ऑप्शन के अंदर. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. किस किस को आंसर आता है, जस्ट रेज योर हैंड्स, हु नोज द आंसर. देखो वेरी गुड, नाइन सी में से कुछ हैंड रेज हुए. सी ऑप्शन ओके क्यों है, एक्सप्लेन भी करो जरा. सामने से क्या पूछ रहे हो, अपने आप से बताओ. चलो चलो जल्दी से.
मैं शायद से सी है. रीजन एबीसी तो फिंगर से भी पता लग जाएगा, किसी ने बता दिया होगा तो. नो चलो अच्छी बात है, पर रीजन चाहिए मुझे. हु कैन गिव मी द रीजन. देखो किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा मैम ऐसा क्यों है कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो मासेस सेम क्यों है. अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके मासेस सेम क्यों है, किसी ने भी नहीं पूछा. चलो जाओ बेटा, गो बैक टू योर सीट. यस. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हम आर्गन और कैल्शियम का केस लें, आर्गन एंड कैल्शियम का, आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन्स है 18, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स है 20, तो इलेक्ट्रॉन्स तो डिफरेंट है. अच्छा फर्स्ट ऑप्शन हो सकती है इसका आंसर, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट. नहीं खत्म. दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डू दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नो. थर्ड पे आइए, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो इसके पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटोन भी कितने होंगे? 18. इसके पास प्रोटोन कितने होंगे? 20. ठीक है. और एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स का सम प्लस न्यूट्रॉन का सम, यही होता है ना? Yes. अगर इसके पास 18 प्रोटॉन है और ये मास 40 दे रहा है, अगर मैं आर्गन की बात करूं, अगर हम आर्गन की बात कर रहे हैं, मास 40 है ना इसका, अभी अभी हमने किया. ठीक है, मास 40 है, प्रोटॉन के पास प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 18 है. तो न्यूट्रॉन कितने हुए? मैंने वैसे भी कहा था न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या कर दो, दोनों नंबर्स को माइनस कर दो. तो कितने न्यूट्रॉन आए इसके पास? 22. और यहां पर अगर मुझे प्रोटॉन निकालना है तो निकाल दो, 40 माइनस 20, तो 20. तो क्या चीज डिफरेंट हुई? न्यूट्रॉन डिफरेंट हुए बेटा, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हुए. आई बात समझ? सो दैट इज वाई द आंसर इज सी. देखो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये प्रोटॉन भी बताता है, इलेक्ट्रॉन भी बताता है, एटॉमिक नंबर भी यही बताता है. ऊपर वाला नंबर सिर्फ हमें मास देता है, ऊपर वाला जो डिजिट है, ठीक है, ये सिर्फ हमें मास दे रहा है. और न्यूट्रॉन निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो. तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट बताए हुए हाँ, तो डिफरेंट ही तो आए ना न्यूट्रॉन. सेम कहा है वहां पर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो फिर तो कोई ऑप्शन लास्ट क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट. हाँ ये भी सही आ सकते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम सेम आया ना. देखो ये न्यूट्रॉन का सम 22 प्लस 18 किया तो कितना आया? 40. यहां पर मैंने 20 प्लस 20 किया तो कितना आया? 40. तो ये मेरा प्रोटॉन, सॉरी ये मेरे न्यूट्रॉन और ये मेरे प्रोटॉन, यहां पर ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, तो सम सेम आ रहे हैं. सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ प्रोटोन इज डिफरेंट. इसके पास प्रोटोन है 18 और इसके पास प्रोटोन है 20. डी ऑप्शन आएगी फिर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये किस किस को समझ आया? मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, देखो हमारे पास आर्गन और कैल्शियम हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ 18 था, यहाँ 20 था, ये 40 था, ये 40 था. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 18. इसके पास इलेक्ट्रॉन है 20. तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो तो वैसे ही गलत थी, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट. अब यहां पर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है? दोनों नंबर्स को माइनस.
तो ये मेरे पास आ गए 22, और यहां पर न्यूट्रॉन कितने आए मेरे पास, 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 न्यूट्रॉन आ गए। सम चेक कर लेते हैं, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना आ रहे हैं, 22 प्लस 18 तो ये बना 40। यहां पर न्यूट्रॉन का सम एंड प्रोटॉन का सम, न्यूट्रॉन कितने हैं 20 और प्रोटॉन भी 20 तो ये भी आया 40। ठीक है, तो सम हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, बट प्रोटॉन डिफरेंट है। यहां पर प्रोटॉन मेरे पास है 18 और यहां प्रोटॉन है 20। अभी क्लियर है, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। उस क्वेश्चन के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 के सामने फॉर एग्जाम्पल लिखकर ये पार्ट कर लीजिए। Yes, which you done? Yes. चल इसको हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा जरा जल्दी से। जल्दी से, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैम डन, कोई बात नहीं, कर लो कर। गुड बेटा, 11th का आंसर मार्क कर लीजिए, ट्रीटियम। डी इज द राइट आंसर, द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रीटियम। ठीक है, चलिए 12th हो गया होगा बेटा सबका। आइडेंटिफाई द पेयर्स विच आर नॉट आइसोटॉप्स। डी क्यों है? चलिए 13th का आंसर बताइए जरा मुझे जल्दी से। मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस बिकॉज। नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे क्लोरीन है ना, अभी आपने सॉल्व किया उसका मास आया 35.5 U, तो ऐसा क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ नॉन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहे, मेनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस बिकॉज। चलिए यस 9C, ये पायल, यस बेटा जल्दी से मुझे आंसर बताइए। रेस्ट स्टूडेंट पायल। हां जी पायल, कहां पर हो बेटा, आंसर बोलिए। बोलो पायल। नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस बेटा, अभी हमने जैसे क्लोरीन का किया, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास डिफरेंट होता है, तो किस कारण से ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू आई, ये बताइए मुझे। मैम डी ऑप्शन। डी, ओके, एनीवन एल्स विद डिफरेंट आंसर? यस परमप्रीत एब्सेंट, ओके। वंशिका,
चलिए बेटा आइए जरा जल्दी से। सी ऑप्शन द आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है बेटा गुड। ठीक है दिस इज द ओनली रीजन कि उनके पास इंटीग्रल मासेस आ रहे हैं। इनके मासेस कैसे हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगा तो जो वैल्यू है दैट विल बी इंटीग्रल वैल्यू और नॉन इंटीग्रल वैल्यू। इंटीजर्स पता है सबको, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स नहीं पता है? इंटीजर्स पढ़ते हो ना बेटा आप, माइनस की सारी वैल्यूज, जीरो की सारी वैल्यूज, डेसिमल नहीं होता इंटीजर्स के अंदर। ठीक है तो जिन वैल्यूज में इंटीजर्स डेसिमल आ जाता है उनको हम नॉन इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। ब्रीफ में बता रही हूँ, अदरवाइज तो चीजें थोड़ी अलग भी होती हैं। चलिए ये समझ आया सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर बताइए मुझे। ये सुगंधा फ्रॉम 9th B, सुगंधा फ्रॉम 9th B। हाँ जी बेटा जल्दी से आंसर बताइए मुझे 14th का। मैम बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, न्यूक्लियस कंटेन बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, गुड सिट। क्वेश्चन नंबर 15 इशिता फ्रॉम 9th A। इशिता फ्रॉम 9th A में कहाँ पर है? बी में। बी में ओके, बी से इशिता, मैंने गलत बोल दिया, बी में ही है। हम सेकंड ऑप्शन, चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं। आयंस क्या होते हैं बेटा जल्दी से बताते जाइए। यस आयंस आर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी ऑप्शन ठीक है? आयंस बेटा आयंस। मैम थर्ड ऑप्शन, सॉरी। फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ए के साथ थर्ड ऑप्शन है तो आपके राइट आंसर्स में ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गई है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन बी एंड सी ऑप्शन, आइसोबार्स। यस सुगंध इशिता चलिए जल्दी से। मैम फर्स्ट ऑप्शन, आइसोबार्स, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो कौन सी ऑप्शन सही आई हमारी? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गुड से। यस एकम फ्रॉम 9th B। मैम यस। आगे आगे बैठे हैं, चलिए इजर्शन इजन तो फर्स्ट आंसर बेटा। फॉर नोबल गैसेस वैलेंसी इज जीरो, इज इट ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। ट्रू एंड नोबल गैसेस हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? मैम ट्रू। Who is saying true? ये एकम की आवाज तो नहीं लग रही थी मुझे ट्रू वाली, मेरी बाजी थी। अच्छा मुझे लगा पीछे से किसी ने बोली साथ में। ठीक है चलिए बैठो। Who is saying the reason is true? Yes from 9th C, Jaswant Singh. Reason is true. Okay. नहीं बेटा reason is false. All noble gases do not have 8 electrons in their outermost shell. Do you forget helium? Helium is 2. लिखो इसके साथ reason is false because helium has 2 electrons in its valence shell. Valency zero होगी सबकी, it is right. But helium के पास 2 ही तो electrons हैं. ये अगर nucleus है तो उसके last shell में एक ही तो शेल है उसके पास बेचारे के पास, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 कहां से लाएगा? ये नहीं ला सकता ना 8 इलेक्ट्रॉन्स। रीजन लिख लीजिए साथ में। यस क्वेश्चन नंबर 2। हां जी 9th A दिशांत एंड आफ्टर दैट 9th A से भूमिक। निशांत आ जाइए बेटा। भूमिक आफ्टर दैट भूमिक। हाँ जी निशांत, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड नहीं बताना, 3rd का आंसर दीजिए मुझे। हाइड्रोजन
नाइन्थ सी गेट रेडी आफ्टर दिस। यस निशांत, इधर उधर से नहीं पूछना बेटा, आपकी शीट कहां पर है? तो लो किसी से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए जरा जल्दी से। चलिए, आइसोबार्स आर आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी के पास नहीं है फर्स्ट बेंच के ऊपर शीट? हाँ जी ट्रू। आर यू सेइंग दिस? ओके, एंड रीजन? रीजन फॉल्स। ओके, रीजन फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट, किसको बोला था मैंने? आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा, सेम क्वेश्चन। ए इज फॉल्स, आर इज फॉल्स, ए भी फॉल्स है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। बेटा गो बैक टू योर सीट एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली एवरीवन। इट इज गिवन आइसो बार्स। आइसो बार्स बेटा, आइसो बार्स में तो एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया ना। एक आपका कैल्शियम हो गया, एक आर्गन हो गया, एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, एक आयरन है, एक निकल है। डू दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? जब एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया, दो स्टूडेंट ही डिफरेंट हो गए, तो क्या उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी? बताइए। आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है बेटा स्टेटमेंट। आइसोटॉप्स होता तब भी ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। आइसोटॉप्स बेटा ध्यान से, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स बोथ हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। लिख लो इसको, आइसोटॉप्स आइसोबार्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड आइसोटॉप्स में क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड आइसोबार्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख लो। चलिए हो गया बच्चे। Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नाइन्थ है रमनदीप। नाइन्थ है रमनदीप। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, सेकेंड क्वेश्चन।
Isotopes are electrically neutral. बताइए, आइसोटॉप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, रीजन. यस बेटा, assumption is true, it's okay. Reason बताइए. Isotopes are species with same mass number but different atomic number. False. ठीक है, बैठ जाइए. ठीक है, तो isotopes, ये reverse दे दिया. Isotopes are species with different mass number but same atomic number. Good. हाँ जी, last fifth question. Ninth C. ऋषभ. ऋषभ एंड आफ्टर दैट गुरसिमरन प्रीत. यस ऋषभ, लास्ट क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ है अर्शन रीजन. हमें ये ऑप्शन. The valency of aluminium is 3 and oxygen is 2. The chemical formula is A is the right option. Both are true and is the correct explanation. Yes. Here, chill. Go back to your seat. So, beta, kuch questions hamare abhi beech mein rehte hain karne wale. Numerical part hai. 27th question, 28th question and 27, 28, 29, 30. रीजन गलत है बेटा. Al2O3 आएगा. इट विल बी Al2O3. रीजन इज फॉल्स. ठीक है, रीजन इज फॉल्स. एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. Al2O3 होना चाहिए था. ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल. मैंने भी नहीं देखा. चलिए, सो बेटा दिस इज ऑल. आपके कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं बेटा करने वाले इसमें. 27 to 30 दे ऑल आर न्यूमेरिकल्स. इफ वी हैव द नेक्स्ट क्लास तो हम ये वाला पार्ट इसके अंदर कवर अप करेंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस यस एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर्स. थैंक यू. ओके बेटा जी, बाय एवरीवन.
जी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द टीचर प्रेजेंट तो बच्चों व्हाट वी वर डूइंग इन द प्रीवियस क्लास प्लीज 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 नो नॉइस हाँ जी सर्कल्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस NCERT questions. So, बच्चों concept clear हुआ कुछ आप लोगों को सही है अच्छा कौन बताएगा theorem सारी आज फटाफट से recap कौन कराएगा please tell me who will explain me the theorems today हाँ जी बच्चों who will explain me the theorems अब सारे चुप हो गए यार पहले इतना शोर कर रहे थे हाँ जी no one चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर अगर आप नहीं आते तो अब देख लो आप आ जाओ अपने आप कोई बचा सेक्शन ए से आइए सबसे पहले चले हु विल एक्सप्लेन ऑल द थ्योरम फ्रॉम सेक्शन ए बच्चे अगर थ्योरम नहीं आपको याद हुई अभी तक तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग अब तक तो हो जानी चाहिए थी आई थिंक वी हैव गिवन 4-5 क्लासेस यस हैव वी गिवन 4-5 क्लासेस और नॉट हाँ जी बच्चों फटाफट से देख रहे हैं अभी नोटबुक्स में बुक्स ओपन है गप्पे मार रहे हैं फ्रंट बेंचर्स सेक्शन ए में दो दो बच्चे फ्रंट बेंच पे बोथ आर टॉकिंग हाँ जी रोल नंबर 9 सेक्शन बी कौन है बेटा आ जाओ जल्दी से जरा हाँ जी बच्चे कौन कौन सी थ्योरम्स आती हैं आपको लुक हेयर लुक टुवार्ड्स द बोर्ड कौन कौन सी थ्योरम्स आती हैं बेटा आपको अभी मैं कुछ और पूछ लूँ ना गप्पे मारने वाली चीज हाँ जी आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी नहीं आवाज नहीं आ रही बच्चे आप लोग इसकी वॉइस फिक्स करो जरा मैं दूसरे सेक्शन सेक्शन सी रोल नंबर 10 हाँ जी अब आ रही है 9B आवाज आ रही है वीडियो ऑन कीजिए बेटा पहले अपना सर 9.3 की आती है जो आती है बेटा बता दे बस फटाफट से और अपना वीडियो ऑन करो जरा टीचर प्लीज मेंटेन द डेकोरम यस सर एंगल इज सेम सेगमेंट एंगल इन सेम सेगमेंट की स्टेटमेंट की होती है पुत्र यस स्टेटमेंट क्या होती है थ्योरम की देख के नहीं बोलना मेरी तरफ देखता रह जरा आप बोलो सर एंगल इज सेम सेगमेंट बस इतनी देर में इतना ही लर्न कर पाए आप है ना उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते सिट डाउन सेक्शन सी से 10 रोल नंबर आ जाओ जल्दी
बच्चे बताइए जरा, दो थ्योरम्स बता दिए कोई भी। कोर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ। वेरी गुड, देन डोंट लाफ, टेल द नेक्स्ट वन। बस एक ही आती थी, अभी इतनी देर में एक ही लर्न कर पाए, है ना। चलिए बच्चे ऐसा है, विल कीप डूइंग द क्वेश्चन और जैसे जैसे थ्योरम आएगी आई टेल यू। जल्द जल्दी से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको, एक जैसे प्लीज गो बैक बेटा। कोर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, राइट, और कन्वर्स ऑफ दिस, इक्वल कोर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कोर्ड। नेक्स्ट, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द ठीक है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो दीज आर द थ्योरम। देखो कितनी फटाफट हो गई, हमने क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए थे बच्चों? थर्ड तक। तो फोर्थ क्वेश्चन विल डू। फोर्थ क्वेश्चन विल डू बच्चे इन फिगर 9.25। फिगर बना लेते हैं, ये दिस इज अ सर्कल, राइट, दिस इज अ फिगर। एंगल ए बी सी राइट बच्चों, दिस इज अ फिगर, दिस इज एंगल ए बी सी 69 डिग्री, दिस एंगल इज 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इज 31 डिग्री, राइट, फाइंड एंगल बी डी सी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, प्लीज डू इट, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। यू कैन डू इट इन 10 सेकेंड वर्बली। हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया? बस सेक्शन बी से कुछ लोगों ने किया है, सेक्शन ए एंड सी वो तो अभी सोच रहे हैं। हाँ जी, ओनली वन फ्रॉम बोथ द सेक्शन, प्लीज डू इट फास्ट बच्चे, जल्दी से। देखिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, टू कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन, वन इज द एंगल सम प्रॉपर्टी, अदर इज द एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं बच्चे, फर्स्ट इन ट्रायंगल एबीसी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए एक ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है, कैन वी फाइंड दिस एंगल? यस। कितना आ गया बच्चों ये? 8 डिग्री। ना देखो 69 प्लस 31 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ए कितना आ गया बच्चों? 80 डिग्री। 180 माइनस 100 इट कम्स आउट टू बी 80 डिग्री। नाउ this angle and this angle are angle in the same segment, yes, so we have to find angle BDC, it will also be equal to 80 degree, angle A which is equal to, किसने बोला what, कौन था बच्चा ये? बच्चे क्या नहीं समझ आया बेटा, पूछो, सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये? अरे सेक्शन ए और सी से आवाज नहीं आ रही मुझे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर ए बना लेते हैं। चलिए फिर कुछ सेम टाइप की फिगर है बच्चों, अगेन
यस और नो, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। राइट नाउ इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर फोर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी इज 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल बी ए सी। हाँ जी बच्चों, एंगल बी ए सी फाइंड आउट करना, अगेन दोनों कॉन्सेप्ट लगने हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी और एंगल इन द सेम सेगमेंट। इज दिस क्लियर? डन। हाँ जी, एंगल ये अपना एंगल बोल रहा हूँ, सेक्शन ए एंड सी। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन सेक्शन ए एंड सी? वेरी गुड। सेक्शन सी में ना लास्ट में दो गर्ल्स बैठी हुई हैं, दोनों आ जाए। नहीं, दूसरी साइड वाले जिन्होंने हैंड राइज किया था, लेफ्ट साइड। हाँ जी बेटा, डन। अच्छा, मुझे बस आप एक चीज बता दो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए हैं। कॉन्सेप्ट पूछा है मैंने, वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, कॉन्सेप्ट बताइए क्या क्या लगाया आपने। एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस दो ही चीजें लगी हैं, हो गया उससे? नहीं, सबसे पहली चीज तो लीनियर पेन नहीं लगाया आपने? से लगाया है वो नहीं, भूल गए आप। चलिए आप जाइए, दूसरे स्टूडेंट को दे दो। हाँ जी बच्चे, बताइए जरा क्या क्या लगाया और कैसे लगाया। हैव यू सर, डन? बेटा, एंगल्स ऑफ सेगमेंट आर इक्वल। हाउ यू हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन, यू टेल मी दैट। सर हाँ जी, कैसे शुरू किया बेटा क्वेश्चन को? हाँ सर, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट जी, लाइन। वेरी गुड। दिस इज द लीनियर पेयर, दिस एंगल एक्स, एक्स प्लस 130 इज 180 डिग्री। इसकी रीजनिंग क्या देनी है? लीनियर पेयर, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 50 डिग्री। 50 डिग्री, वेरी गुड। एक्स आ गया 50 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव टू डू बेटा? ट्रायंगल ईडीसी एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 50 डिग्री, सो सो यस वी कैन फाइंड दिस एंगल। लेट्स से दिस इज वाई, सो वाई प्लस 50 प्लस 20 इक्वल टू 180 180 डिग्री। सर वाई कम्स आउट टू बी 100, यस सो नाउ वी वर सपोज टू फाइंड आउट बी ए सी, दिस एंगल टू फाइंड, so what it will be 110 110, because the angle in the same segment are equal. please sit down beta, very good. हाँ जी, किसी स्टूडेंट को नहीं क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Anybody didn't done? आई विल बी मोर हैप्पी इफ यू आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, यस, सेक्शन ए, व्हाई यू पीपल आर सिटिंग लाइक दिस? बिल्कुल लॉस्ट केस है, कुछ नहीं समझ आ रहा। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू टीचर प्रेजेंट इन सेक्शन ए, मैम प्लीज चेक वेदर दीज पीपल आर गेटिंग इट और नॉट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बिकॉज व्हाट द फीलिंग आई एम गेटिंग कि दे आर जस्ट सिटिंग, देयर ब्रेन इज समवेयर एल्स, जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग द कथा, दैट्स इट। डूइंग मैम, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग मैम, वाई एनी इनिबिशन? यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन, यू प्लीज पार्टिसिपेट बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सिक्स।
एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जी. वी हैव ड्रन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. नाउ व्हाट ही सेज, इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यस, सेक्शन ए रोल नंबर 14. सेक्शन ए रोल नंबर 14, 1-4. अच्छा आ गई है. हाँ जी बच्चे, व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्लीज टेल मी. बोलो बेटा आवाज आएगी, बोलो. नहीं आवाज नहीं आ रही है. व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? नो नो आई एम नॉट गेटिंग यू, यू आर नॉट ऑडिबल. हाँ अब आइए, मैम की आवाज आई है. नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बाकी पूरी क्लास की आवाज आ रही है. मैम इज ही स्पीकिंग समथिंग? आई कैन हियर यू फ्रॉम सो फार बट ही इज नॉट ऑडिबल. ही इज स्पीकिंग. बताइए बेटा क्या होता है फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर? Is this necessary? Is it necessary? Now tell me one thing. This is a quadrilateral. It is not lying on the circle. Is this cyclic or not? हाँ जी बच्चे, द कंडीशन फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. राइट, इफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री और दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, देन इट विल बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इज दिस क्लियर? एंड ऑटोमेटिकली इट विल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस. So now this is a quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. So they intersect at point E. Right? Is this clear? If angle DBC, DBC means this angle is 70 degree. राइट बच्चो, एंगल बी ए सी इज 30, बी ए सी दिस इज 30. इज इट क्लियर? देन फाइंड एंगल बी सी डी. ठीक है, फर्दर नेक्स्ट पार्ट है बेटा. इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन फाइंड एंगल ई सी डी. सो वी फर्स्ट विल एड्रेस द फर्स्ट पार्ट. वी हैव टू फाइंड एंगल बी सी डी. वट इज बी सी डी? बी सी डी मीन्स दिस एंगल वी हैव टू फाइंड. हाउ वी कैन फाइंड आउट? हु विल एक्सप्लेन? हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा सेक्शन ए से? एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए? Any volunteer, please come. Section B. हाँ जी, only one student. Section C से who will explain? Anyone from section C? आ जा बेटा, आ जा, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ. हाँ जी बच्चे, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड एंगल बी सी डी. सो फर्स्टली डी बी सी इज इक्वल टू डी ए सी, एंगल्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट आर इक्वल. कौन सा बेटा, प्लीज रिपीट इट. डी बी सी, डी बी सी, दिस डी बी सी इज इक्वल टू डी ए सी, ई
सर डीएसी 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 ओके दिस एंगल हाउ सर दिस 70 डिग्री. वेरी गुड बेटा हैव यू अंडरस्टूड बेटा इस फिगर को उल्टा करके देखो जरा दिस इज ए कॉर्न ऑफ द सर्कल राइट यस. अब कोई का सर्कल तो है नहीं है बच्चे अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ठीक है यस इज दिस क्लियर यस. साइक्लिक मींस विच हैज द अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री एंड दिस विल डेफिनेटली लाई ऑन ए सर्कमफ्रेंस राइट सो नाउ दिस इज ए कॉर्ड एंड कॉर्ड्स ऑब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेम सेगमेंट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल इज दिस क्लियर सर यस देन नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट स्टेप सर बाय यूजिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री नाउ दिस टोटल एंगल बिकम्स 100 डिग्री सर यस 80 डिग्री इसे डाउन बेटा वेरी गुड सो दिस एंगल विल बी 80 एनीथिंग नॉट क्लियर टू एनीवन यस एनी डाउट बच्चों डाउट ही नहीं पूछते आप लोग कोई डाउट नहीं है वेरी गुड चलिए जी फर्स्ट पार्ट इज क्लियर हाँ जी बच्चे बोलो अरे वो बोलेंगे आप बोलोगे बेटा जो भी बोलना है बोल दो फटाफट मुझे सब यहां से नजर आ रहा है कि क्या कम्युनिकेट कर रहे हो बट जो क्वेश्चन है वो बोलो आप अब आवाज नहीं आ रही है थोड़ा इधर आओ पहले तो फ्रेम में आओ हाँ जी फ्रेम में आ जाओ थोड़ा सा नहीं समथिंग इज रॉन्ग विद योर वॉइस हाँ जी बोलिए जरा हाउ टू फाइंड बच्चों ईसीडी पे तो मैं अभी आ रहा हूँ पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना मैंने तो ये पूछा अभी मैंने थोड़ी कहा कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हैव आई टोल्ड यू देखो बच्चों नाउ इट इज गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी दिस इक्वल टू दिस दिस इज इक्वल यस यस और नो इफ दिस एंगल इज 30 देन दिस विल आल्सो बी 30 यस और नो बच्चे देखिए ये आपका एबीसी ट्रायंगल बन गया बेटा इज दिस क्लियर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड राइट सो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड विल बी इक्वल दिस इज गिवन 30 सो दिस विल आल्सो बी 30 यहां तो कोई डाउट तो ईसीडी अब आप मुझे बता दो कितना आ गया सर 50 बस मुश्किल था काफी मुश्किल था है ना चलो बेटा दिस टोटल इज 80 तो ये वाला पार्ट 30 है सो दिस विल बी 50 इज दिस क्लियर इज इट क्लियर और नॉट चलिए अब मैं एक एंगल देता हूं आपको वो बताइएगा जरा फाइंड एंगल डीईसी ये अब आपको फाइंड आउट करना है देखता हूं आपको कितना समझ आया है फाइंड एंगल डी ई सी सर 100 आ गया आ गया हाँ जी डी ई सी 100 आ रहा है देखिए बेटा अगेन यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगा दी कौन सी एंगल इन द सेम सेगमेंट दिस एंगल इज 30 डिग्री This and this will be same, right? So this will also be 30 degree. This is 50. 50 plus 30 is 80. 80. Then apply angle sum. This will come out to be 100 degree. Right. Is this clear, बच्चों? Yes. अभी किसी को कोई doubt इस question में? No.
Come to the next one. Seventh. Again the cyclic quadrilateral. Will you people try this question? Will you people try? अच्छा इसका मीनिंग क्या है बच्चों क्वेश्चन का पहले तो मुझे बताओ इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल राइट बच्चों हमें क्या गिवन है कि जो डायगोनल्स है ना बेटा दे आर डायमीटर्स राइट डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स सो यू हैव टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल हाँ जी बच्चों विल यू डू इट यस प्लीज डू इट देन Sir, done. हाँ जी how many of you have done? हो गए बेटा नाइन थे सेकंड बेंच कॉपी हो गया सबका एक दूसरे की कॉपी पास हो रही है सेकंड बेंच पे हंस रहा अभी नीचे मुंह करके बच्चा बच्चे यहाँ से ना इतना क्लियर व्यू नजर आता है ना अगर मैं आपकी क्लास में मतलब ठीक है वैसे भी लाइव हूं ना तो तब इतना अच्छा नहीं नजर नहीं आता यहाँ पे तो इवन व्हाट यू आर राइटिंग आई कैन व्यू दैट आल्सो इतना जूम हो जाता है हमारे पास टेक्नोलॉजी से चलिए जी हाँ जी बच्चों किसने किया कौन एक्सप्लेन करेगा सेक्शन सी से एनी वन फ्रॉम सेक्शन सी प्लीज कम फॉरवर्ड नो वन नो वन फ्रॉम सेक्शन सी अरे सेक्शन सी ओके प्लीज बच्चे प्लीज सर हियर ए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एज दे आर सेगमेंट्स एंगल 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 ए डी बी ओके इज इक्वल टू एंगल ए सी बी राइट देन देन वील प्रूव द कॉन्ग्रेंसी नो 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 टू प्रूव कॉन्ग्रेंसी Anyone else? No congruency required. Just see, bache. AC and BD are the diameters. Yes. So therefore, this angle will be 90 angle. Yeah, semicircle. Yes. 90. A quadrilateral with all the angles 90 degrees. Eh? हो गया जी अब क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता स्क्वायर फिर तो हमें कुछ करना था बट रेक्टेंगल पूछा है इफ ए क्वाड्रिलेटरल विल हैव ऑल द फोर एंगल्स इक्वल 90 डिग्री देन इट विल बी रेक्टेंगल दैट्स इट समझ में आ गया बच्चों नहीं आया है ना कोई कॉन्ग्रेंसी कॉन्ग्रेंसी कुछ नहीं प्रूव करनी है आपको राइट Is this clear? So yes. चलिए आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ वन इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज अ हाँ जी बच्चों आपके पास ना एनसीईआरटी बुक है बच्चों हाँ जी यस ओपन द पेज नंबर 111 111
ओपन द पेज नंबर 111 कर लिया जी। पुरानी बुक है जी। नई नई बुक कौन कितने लोगों के पास है? नई बुक में 111 नंबर बेचा ओपन कीजिए। पुरानी का बताऊं मैं? पुरानी का भी बता देता हूं बेटा रुको जरा। पुरानी बुक में बच्चे 147 इन द ओल्ड बुक ओपन। न्यू ओल्ड लो जी नंबर भी लिख दिया मैंने बेटा पेज नंबर। एन स्टैंड फॉर न्यू बुक, ओ स्टैंड फॉर ओल्ड बुक। हो गया ओपन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 इन न्यू बुक ऑन पेज नंबर 111 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ऑन ओल्ड बुक ऑन पेज नंबर 147। हो गया ओपन बच्चों? यस स्टूडेंट्स हैव यू डन? बच्चे प्लीज स्टॉप टॉकिंग फ्रंट बैंक सेक्शन बी। टू गर्ल्स आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग। यू जस्ट चेंज योर सीट। वन ऑफ देम मूव बैक। हां जी बच्चों लुक एट द क्वेश्चन दिस। कैन यू डू दिस क्वेश्चन बेटा? न्यू बुक 7th क्वेश्चन एंड ओल्ड बुक 12th क्वेश्चन। कैन यू डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ? दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन 8th क्वेश्चन ऑफ सर्कल इज सेम। कैसे सेम है बच्चों देखो जरा। दिस इज अ ट्रेपेजियम। व्हाट इज सेज इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल मींस दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट इट्स ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री राइट। नाउ जो आपका क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन है व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। यही प्रूव किया है बेटा हमने। यस और नो? नाउ इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड दीज टू आर इक्वल सो देन दिस ए प्लस सी विल बी 180 और नॉट। यही प्रूफ बच्चे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है? इफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सो वी हैव टू प्रूव दैट। सो कैसे प्रूव करेंगे? सेम वैसे बच्चे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी विच मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट एफ। क्लियर है बच्चों? यस दिस विल बी पैरेलल टू दिस सो देन ये ऑलरेडी पैरेलल है बच्चों ट्रेपेजियम है। सो ए एफ सी डी क्या बन गया बेटा हमारे पास? इज इट अ पैरेललोग्राम? नाउ लिखो बच्चों देखो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू डी ए विच मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट एफ। ठीक है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? इज दिस स्टेप क्लियर? आगे इसका प्रूफ है बेटा। इफ एडी इज पैरेलल टू एफ सी एंड AF is parallel to BC. Then AFCD is a parallelogram. Is this clear, बच्चों? Yes. तो ये parallelogram बन गया बच्चे? Yes.
Now this side, AD is equal to BC given है? Yes. AD is equal to BC. ये given है. AD is also equal to CF. Yes. Why? Opposite sides of parallelogram. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? तो यहां से क्या आ जाएगा, देयर फोर बीसी इज इक्वल टू सी एफ, राइट? इसको मैंने एंगल वन ले लिया, इसको टू ले लिया बेटा. देयर फोर एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, हो गया बेटा, राइट और नॉट? कोई डाउट है तो बताइए बच्चों. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? इफ एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज लेट मी नो बच्चों. यहां देखिए, अब वन इक्वल टू टू आ गया हमारे पास. यस और नो? लेट से दिस इज बी, तो एंगल बी प्लस वन कितना होगा बेटा? 180 डिग्री. बी प्लस वन इक्वल टू टू है तो बेटा ये वी कैन राइट बी प्लस टू इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जी. नो. अच्छा, आल्सो एंगल टू इक्वल टू एंगल डी, एंगल टू इज आल्सो इक्वल टू एंगल डी. यस. व्हाई? Because angle B is equal, opposite sides angle are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. Is this clear? Yes. तो अब यहाँ पे टू के प्लेस पे मैं D लिख सकता हूँ बेटा? क्या आ गया बेटा ये? And we were supposed to prove this thing only. यही प्रूव करना था ना बच्चे, opposite angles of a opposite angle of quadrilateral are supplementary. So B plus D. So therefore it will be a cyclic quadrilateral. समझ में आया? Anything not clear to any student, please let me know. देखो same question different form में repeat हो गया बेटा आप लोगों को. Already you have done this question. Again it is repeated in some other way. क्वेश्चन इज सेम बट द वे ऑफ लुकिंग एट इट इज डिफरेंट. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी. एनी डाउट्स प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चंस बच्चों. हो गया जी, फिर चलें आगे. अरे मैंने आपको बच्चे पीछे भेजा था, सेक्शन बी में थी ना जो फ्रंट बेंच में गर्ल्स, आप फिर आगे आ गए हो. सर तो भूल गए हैं है ना, और आप आके फिर गप्पे मार रहे हो. सर भूल भी जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने फिर गप्पे मारनी शुरू की, मेरी नजर फिर पहुंच गई वहां पे. चले आगे बच्चे, हो गया क्वेश्चन नोट डाउन? हाँ जी बच्चे, शैल आई एक्सप्लेन वंस मोर? ओके, चलो आगे चलते. हो गया ना बेटा सबका? हाँ जी, हाले भी लास्ट पार्ट है. लाओ जी, लो बेटा फटाफट करो जरा. अच्छा अच्छा समझाना है. ओके
कहां से बेटा देखो, इज दिस क्लियर? एंगल टू इज इक्वल टू एंगल डी. सी एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, वन प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, राइट? वन इक्वल टू टू, सो देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट बी प्लस टू इज आल्सो इक्वल टू 180. नाउ एंगल टू इज इक्वल टू एंगल डी, yes. So therefore b plus d will be equal to 180 degree. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी बच्चों. हाँ जी, एनीथिंग एल्स? शैल वी मूव टू नेक्स्ट? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अभी दो तीन क्वेश्चन है हमने फिनिश करने हैं आज फटाफट. नाइन्थ क्वेश्चन बेटा, अफ्रीका देखिए जरा. फिगर को अगर आप अंडरस्टैंड कर गए ना बच्चे प्रॉपरली, ये देखिए बेटा दो सर्कल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी, मीन्स दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स. अच्छा, यहां से हमने दो लाइन सेगमेंट लगा दिए बच्चे. वन इज दिस, दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज डी, राइट? ठीक है बच्चों, दिस इज पी, दिस इज क्यू. टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द एंगल एट ए डी पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. ओके, प्रूव दैट. जी यहाँ पे मिल गया बेटा, राइट? ठीक है बच्चों, डायग्राम इज ओके. प्रूव दैट एंगल ए सी पी, एंगल ए पी सी, ए पी सी, ए सी पी होगा, ठीक है. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं बेटा. ठीक है जी, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे बच्चे, कौन कौन से? Angle in the same segment, vertical opposite angle. Very good, you people are very smart. बताइए कैसे करना है तो? कौन बताएगा फिर? सेक्शन बी से नहीं चाहिए कोई मुझे, सेक्शन ए या सी से कौन आके बताएगा? एनी वॉलेंटियर फ्रॉम सेक्शन ए एंड सी? हाँ जी, देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, Yes or no? ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हो गए बेटा. Yes. देखो जरा ध्यान से देखो, सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इन सेम सेगमेंट. Yes. दोनों इक्वल है. दिस इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां पे भी एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा. Yes. बस दिस वॉज द क्वेश्चन. लैंग्वेज लिखानी है बेटा, शैल आई मेक यू टू राइट इट प्रॉपरली? नो. नो, ठीक है बेटा, वेरी गुड. सो यू पीपल कैन डू इट, राइट? सो दिस एंगल इक्वल टू दिस वर्टिकली अपोजिट, दिस इक्वल टू दिस एंगल इन द सेम सेगमेंट, इक्वल टू दिस एंगल इन द सेम सेगमेंट. डायग्राम अगर आप देखो तो सिर चकरा जाए एक बार तो देख के कि क्या इतना खतरनाक डायग्राम है. But it is the most simplest question, isn't it? Yes.
बस थोड़ा सा देखने की पार की नजर होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। देखिए जी क्या क्या क्वेश्चन क्या है बच्चे। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है बेटा कि सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। ओके, इसको पहले सर्कल से पहले वो ड्रॉ करते हैं, इसका जरा ट्राइंगल ड्रॉ करके बेटा फिर आपको बेटर समझ आएगा। हमने बच्चे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट। We have drawn this triangle. We have taken two sides as the diameters. Is this clear? Let's say others. Third sides lie on the okay. देखिए बेटा ये दो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए, टेकिंग इज इज क्लियर। नाउ व्हाट ही सेज, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, मींस क्या होना चाहिए आइडियली, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे लाई करना चाहिए बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले ना दो सर्कल्स बनाते हैं। चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है बेटा। ये देखिए अगर ये पॉइंट यहाँ पे मतलब ये लाई करेगा, सो आप इसको ड्रॉ करोगे, इज दिस क्लियर। सो दिस एंगल विल बी, दिस एंगल विल आल्सो बी, सो देयरफॉर दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो दिस क्वेश्चन हैज टू बी प्रूव्ड, इसका डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं। देखिए बच्चे ये हमारे पास एक सर्कल बन गया बेटा, ये इसका डायमीटर हो गया, एंड दिस डायमीटर इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। लेट से दिस इज द दूसरा सर्कल बना लेते, राइट। ठीक है बच्चों, नाउ दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, इज इट क्लियर नाउ डायग्राम। डायग्राम क्लियर बच्चे, ए यस बी इज द डायमीटर ऑफ वन सर्कल विद सेंटर, लेट्स से दिस सेंटर इज ओ एंड दिस इज सेंटर ओ डैश, बी सी इज द डायमीटर ऑफ द अदर सर्कल विद सेंटर ओ डैश। नाउ नाउ एज दीज आर द डायमीटर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल, इसको मीट करा दो बेटा, मीट करा दिया बेटा। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल, 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्कल, यस, सो दिस एंगल विल बी, सो 90 डिग्री, देयर फोर लेट्स से दिस पॉइंट इज P. Then the point P lies on the side. AC, So therefore, AC is a straight line, straight line which is also the third side of the triangle ABC. Is this clear? yes. So this is the way to do this question. Clear है? यस चलिए जी नोट कर लीजिए बेटा ये. नेक्स्ट कर लिया। क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स
विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी प्रूव दैट एंगल सीएडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। देखिए बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, ठीक है जी। एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इनका जो हाइपोटेन्यूज कॉमन है बेटा, सो व्हाट वी शैल डू, इज दिस क्लियर, दे आर द कॉमन हाइपोटेन्यूज, इज दिस क्लियर और नॉट बच्चो? बेटा कोई डाउट आवाज आ रही है क्या, प्रॉब्लम है बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज आस्क। हाँ जी, डायग्राम ऑफ मैम, टेंथ क्वेश्चन का डायग्राम नहीं समझ आया ये वाला? बट शी सेइंग एनी, टीचर कैन यू प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाट शी वांट टू नो, मैम प्लीज रिपीट, डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, यस दिस इज द डायग्राम नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, नाउ द क्वेश्चन, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज ए बी एंड बी सी, एज डायमीटर वी हैव ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, दिस इज क्लियर, वी वर सपोज टू प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल lie on the third side, right? तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी बच्चों कि the point P lies on side AC, right? So to prove this, what we have done, we have applied the property of angle in a semicircle. Now we know that angle in a semicircle is 90 degree. Since this is the diameter, so angle APB will be the angle in semicircle. And its measure will be 90 degree. Similarly, angle BPC is 90 degree. So therefore, it is a straight line. Hence, this point P lies on the side AC of triangle. Ma'am, still some doubts? I think there is some issue. Ma'am, please tell me if any doubts still there. Yes, sir. You are here now? Clear. हाँ जी, मैम इज देयर फॉर सम अनाउंसमेंट, प्लीज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, आपने जो भी मैथ्स में और साइंस में आज पढ़ा है वो आज आपका टेस्ट होगा फ्रॉम 6 to 6:30, ठीक है? जो भी आपने मैथ्स और साइंस में आज पढ़ा है, ओके? हाँ जी स्टूडेंट्स, सो लुक एट दिस डायग्राम, इन क्वेश्चन 11 ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज, अच्छा हाइपोटेन्यूज ए सी, सो व्हाट यू डू, दिस विल बी ए सी राइट विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, prove that angle CAD equal to CAD equal to CBD, CBD, angle CAD equal to CB, we have to prove this angle equal to this angle, right? CB, just a, CBD, yes. So we have to prove this thing, bachche, right? ABC and ADC, ABC, ABC on hypotenuse. इसका डायग्राम थोड़ा सा ना डिफरेंट बनाते हैं अच्छे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
लेट से दिस इज ए राइट, इज इज क्लियर, इज इज क्लियर बच्चों, दीज आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, नाउ इट इज बेटर, बट वी आर सपोज टू प्रूव प्रूव दैट एंगल सी ए डी, सी ए डी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। हाँ जी बच्चों हो जाएगा ये, जस्ट देखो और कर दो इसको फटाफट से, अभी तक तो हो जाना चाहिए था मतलब। इट्स ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों, अपोजिट एंगल्स मेक्स 180 डिग्री, हेलो मैम एनीथिंग यू वांट टू टॉक, एनीथिंग यू आर कन्वेइंग मैम? सो नो आई जस्ट आस्क प्रशांत व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? सो स्टूडेंट्स दिस एंगल इज 90, दिस इज आल्सो 90, सो अपोजिट एंगल्स सम इज 180 डिग्री, देयरफॉर इट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस। So if this is a cyclic quadrilateral, then this angle and this angle will be the angle in the same segment. Yes or no? Yes. So both will be equal. As the angle, what was the name is DBC and DBC, DBC and ADC, DAC, both are in. Both will be equal as the angle in the same segment are equal. Because it will be a 90 plus 90, 180. So this will be a cyclic quadrilateral. Right, bacho? Is this clear? Yes. Anything not clear? No. Chaliye, last question karte hain bacho. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. Now, what is the meaning of cyclic parallelogram? Who will tell me? Cyclic means, what is the meaning of cyclic? If it lies on the, its vertices lie on the circle. Means, yahan pe shape thodi na iski badi ajeeb banegi bache. Because it will be a parallelogram only. It will be rectangle only, sorry. लेट से हम पैरेललोग्राम लेते हैं बेटा, नाउ दिस इज ए पैरेललोग्राम, व्हेयर इज अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम तो बच्चे साइक्लिक होता है या नहीं होता बेटा? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यस और नो? एंगल ए इज इक्वल टू also angle A plus C is equal to 180 degree. Yes. So what this becomes? C ki value humne A rakhi. So what comes angle A? 90. 90 degree. 90 degree. If a parallelogram with one of the angle 90 degree, then it is a रेक्टेंगल। बच्चे अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है, सो व्हाट डज दिस मीन? ऑल द एंगल्स विल बी, सपोज दिस एंगल इज 90, बाय अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी दिस विल 90, दिस एंड दिस आर सप्लीमेंट्री, सो दिस विल बी 90, यस, सो देयरफॉर इट विल बी अ रेक्टेंगल। इज दिस क्लियर? यस। एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? So with this we come to the end of your circle. Okay, whatever the doubts, right? If we have next class, then you can take in that class. But today, please give the test with full preparation. Right, bacho? Yes.
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टीचर्स.